तो सीबीआई को ये डायरेक्शन मांगा है पिटीशन में कि आदित्य ठाकरे को अरेस्ट किया जाए और उस उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन करके पैरा 40 से उन्हें 15 पॉइंट दिया है कि 15 पॉइंट पर सीबीआई और कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई के, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि दिशा सालियान का आधा हमारे पास है आधा उनके, जो भी है आप दोनों आप पट में डिसाइड करो। हाई कोर्ट में आप दोनों ने 1 महीने के अंदर पूरा जवाब देना है और जो दोषी है अधिकारी सीबीआई के, जिन्होंने ये केस में डिले किया सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2020 का ऑर्डर रहते हुए, एक्सपीडिशियस फास्ट इन्वेस्टिगेशन का, और इन्होंने किसी अक्यूज का कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं किया, जैसा चाहिए था वैसा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इस देश की जनता की भावनाओं का अनादर किया, एसएसआर वॉरियर्स हो या न्यायप्रिय जनता हो, उन सब की भावनाओं का अनादर किया, तो उन दोषी अधिकारियों पर भी आईपीसी 218 और अदर सेक्शन में 166 वगैरह में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर मांगा है, उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर करवाने का निर्देश मांगा है सीबीआई को। तीसरा मांगा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट किया है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट जनरल या तो कोई अदर अधिकारी ये इन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करें। तो ये प्रेयर्स हो गए। अब जो 15 मुद्दों पर सीबीआई को जवाब देने को कहा है, वो 15 मुद्दे जो है वो 15 मुद्दे कैसे हैं, देखिए कि आप ये रिपोर्ट सबमिट करो, इन्वेस्टिगेशन डन ऑन मोबाइल लोकेशन 8 जून 2020 का, मोबाइल लोकेशन किसका किसका चाहिए, दिशा सालियान, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर है, सूरज पांचोली, एकता कपूर एंड ऑल अदर्स, वो उनके आसपास के 100 मीटर्स के एरिया में जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे इनसे, आदित्य ठाकरे से, उन सभी लोगों का मोबाइल कनेक्शन, उनका स्पॉट, उनका डिटेल, लोकेशन, ये सब का जवाब दे। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन डन ऑन मोबाइल लोकेशन डेटेड 13 एंड 14 जून, सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शोविक चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टेड इन सबसे एक दूसरे से, तो इन सब का और उस एरिया का 100 मीटर्स के एरिया में जितने मोबाइल थे टॉवर में, उन सबके डिटेल्स और उस पर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट उस पर सबमिट करने को कहा गया है। उसके बाद में सीरियस एलिगेशन मेड बाय नितेश राणे जी ने जो कहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूजेस हो रहे हैं, सूरज पांचोली के घर पे पार्टी हुई थी, वहां आदित्य ठाकरे थे, उनका और छोटे बच्चों का क्या संबंध है, अनाथ आश्रम से लाए गए बच्चों के साथ आदित्य ठाकरे ने क्या किया, इसका सारा सच सीबीआई एफिडेविट में कोर्ट के सामने रखे, सीबीआई और पुलिस कमिश्नर। तीसरा है सीसीटीवी फुटेज ऑफ ऑल अदर नियर बाय सोसाइटीज, ट्रैफिक सर्विलेंस जो इनके ट्रैफिक के जो कैमरास होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक सर्विलेंस के आजू बाजू की सोसाइटी, आप एक सोसाइटी का उड़ा दिया था उन्होंने सीसीटीवी, तो वो रिट्रीव किया क्या, उसके बाद में आजू बाजू के सोसाइटी में कि आपने सीसीटीवी कैमरे फुटेज रिकवर किए क्या, उस एरिया में अगर आदित्य ठाकरे की कार गई है तो ट्रैफिक सर्विलेंस होता है कि ये पोस्ट से गई, वो पोस्ट पे रुकी, वहां गई वहां गई, ये सारा डिटेल उसका आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, उसके पेपर सबमिट करो। और उसके साथ में जो अभी वो मिनिस्टर थे उस समय, तो उनके साथ में जो एस्कॉर्ट वाले पुलिस ऑफिसर थे, उनके सिक्योरिटी थे, तो इन लोगों के भी पूरी गाड़ियां कहाँ गई कहाँ आई, उनका पूरा सब डिटेल सबमिट करने को कहा गया है। और इसमें जो सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी पे, डेड बॉडी ऑफ श्री सुशांत सिंह राजपूत इंक्लूडिंग फेस एंड, तो उनके ऊपर जो इंजुरीज थी, तो वो इंजुरीज यहाँ पर आंख के नीचे काला हो गया था, हड्डी टूट गई थी, तो इंजुरी का पूरा डिटेल्स, उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन किया, वो पिटानी का क्या कहना था क्या नहीं है सब, वो उसका पूरा डिटेल फोटो के साथ, इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेस ऑफ मर्डर ऑफ दिशा सालियन विच वॉज पब्लिश बाय वेरियस न्यूज चैनल। हाँ, तो एक आई विटनेस था जो न्यूज 18 और अदर रिपब्लिकन भारत वगैरह पे आया था, उसने कहा कि मेरे सामने दिशा सालियान का मर्डर किया, मैं वहां प्रेजेंट था, वो
उस विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसने उसने बताई हुई लीड इन्वेस्टिगेशन किया, नहीं किया तो क्यों किया, इसका पूरा डिटेल रिप्लाई।